नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि ना तो मेट्रो है ना ही बस है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट मेट्रो और बस दोनों का कॉम्बिनेशन है और ये एक नया कॉन्सेप्ट है भारत के लिए, और इसकी मदद से वातावरण, समय और लागत तीनों की बचत की जा सकती है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं मेट्रो नियो प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके ऊपर कुछ नए बड़े अपडेट्स आ चुके हैं। तो दोस्तों जानेंगे हम इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट के ऊपर सारी डिटेल्स, सारी जानकारी। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नासिक में चलने वाली मेट्रो नियो प्रोजेक्ट या फिर कह लें मेट्रो सिस्टम के बारे में। दोस्तों वैसे तो इस प्रोजेक्ट की बात 2019 में की गई थी, इसके ऊपर DPR रिपोर्ट्स वगैरह के टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए डिले कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसी को लेकर के अभी कुछ नए अपडेट्स आए हैं, तो वो सारे अपडेट्स इस वीडियो में हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे। फिलहाल दोस्तों अभी हम इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी होगी, क्या स्पीड होगी, कैसा ये सिस्टम होने वाला है। दोस्तों पहली चीज, ये एक मेट्रो का न्यू कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका जो नाम रखा गया है वो मेट्रो नियो रखा गया है, और यहाँ पर ये बहुत कम लागत में बनने वाली मेट्रो नियो ट्रेन्स होंगी जो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगी बस से। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों 2 से 3 कोचेस एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे तो ये एक मेट्रो का रूप ले लेगी और ये फुली इलेक्ट्रिक होने वाली है। दोस्तों बात करें इस प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस बेस ट्रांजिट सिस्टम। दोस्तों ये मेट्रो नियो काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारी लाइट मेट्रो से, बट ये लाइट मेट्रो नहीं कहलाएगी क्योंकि लाइट मेट्रो में बैटरी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं और यहाँ पर जो है हमें मेट्रो नियो में बैटरी की फैसिलिटीज़ मिलेगी। यानी कि जब ये ऑन रोड होगी तो ये बैटरी से ऑपरेट होगी, और जब ये अपने एलिवेटेड कॉरिडोर्स पे जाएगी तब ये OHE सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी लेकर तब उस पे ये रन करेगी। दोस्तों बात करें इस प्रोजेक्ट में करीबन 600 से 750 वोल्ट DC की सप्लाई से इसको ऑपरेट कराया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम 3 से 4 कोचेस ऐड किए जाएंगे जिसमें 200 से लेकर 250 पैसेंजर्स एक बार में ट्रेवल कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि एक ऑन एवरेज बहुत अच्छी स्पीड होगी और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा समय बचाया जा सकेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसके जो 2 कॉरिडोर्स बनने हैं वो कहां से कहां तक बनाए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो पहला कॉरिडोर बनेगा वो बनेगा गंगापुर से लेकर के नासिक रेलवे स्टेशन तक। इसमें टोटल 20 स्टेशन को शामिल किया जाएगा और यहाँ पर ये कॉरिडोर 22 किलोमीटर का होगा। वहीं दोस्तों बात करें दूसरे कॉरिडोर को लेकर के, तो ये बनेगा गंगापुर से मुंबई नाका तक के बीच में। ये टोटल 10 किलोमीटर का रूट होगा और यहाँ पर टोटल 10 स्टेशन को जो है वो शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट की बात जो है 2019 में की गई थी, लेकिन अभी चल रहा है 2020 और 2021 भी आने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के यानी कि 5 नवम्बर 2020 को भारत सरकार के आवासीय और शहरी मंत्रालय यानी कि MOHUA के सचिव ने ट्वीट करके इस कम लागत वाली मेट्रो नियो ट्रेन को 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में चलाने के कुछ फैसले लिए हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर सिर्फ इतने ही फैसले लिए गए कि जल्द ही यहाँ पर इसको उपनगरों में चालू करने की संभावनाएं बनाई जा रही हैं। जल्द ही इस पर और भी कई बड़े अपडेट्स आएंगे। दोस्तों एक दूसरा बड़ा अपडेट यहाँ पर ये है कि ये जो है 13 शहरों को प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर 13 शहर कौन से होने वाले हैं, इसकी जो मीटिंग होगी वो 9 नवंबर 2020 को होने वाली है और यहाँ पर जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा और कौन से नए शहर हैं जहाँ पर जो है ये मेट्रो नियो सिस्टम अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्या आपके शहर में भी मेट्रो नियो जैसा न्यू प्रोजेक्ट चलना चाहिए वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हम आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।